सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो फेस ड्राइंग है उसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको शेडिंग एंड ब्लेंडिंग का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड गाइस, आज की इस ड्राइंग को हम लोग जो अनुपम ब्रांड का ड्राइंग सेट है उसमें करने वाले हैं, जिसका रिव्यू मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था। एंड गाइस, इस पूरे ड्राइंग को हम लोग ग्रेफाइट पेंसिल से करेंगे। एंड गाइस, ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पूरा फेस ड्रॉ करेंगे एंड सेकंड पार्ट में जो हेयर है उसको ड्रॉ करेंगे। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अनुपमा का ड्राइंग करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग आर्ट लाइन का HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे सेकेंड पार्ट की वीडियो को भी देख सकें। तो गाइस, अब अपना आउटलाइन कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस, अब हम जो ड्रॉइंग शीट है उसके बाउंड्री को मास्किंग टेप से कवर कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग आई ड्रॉ करेंगे। आई ड्रॉ करने के लिए हम लोग आर्ट लाइन का 2B पेंसिल लेंगे। आई ड्रॉ करने के लिए हम लोग लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले लाइट ड्रॉ करना है एंड धीरे धीरे डार्क करना है। 2B पेंसिल से पूरे आई को शेड कर देंगे। शेड करते टाइम हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि जो हम लोग जो स्ट्रोक अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई ना करें, एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ हम लोग को फर्स्ट शेड देना है। एंड गाइस, ड्रॉइंग में हम लोग को फर्स्ट में डिटेल वर्क नहीं करना है, पहले तो एकदम नॉर्मल शेड दे देना है, फिर बाद में धीरे धीरे जो है डिटेल करते जाना है। फर्स्ट आई को शेड करने के बाद हम लोग सेकेंड आई को भी ठीक उसी प्रकार से शेड करेंगे। हम ब्लेंडिंग स्टंप की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। एंड गाइस, इसके बाद हम लोग आर्ट लाइन का 6B पेंसिल यूज़ करेंगे डार्क एरिया को डार्क करने के लिए। पेंसिल से ड्राइंग करते टाइम हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हमें लाइट से डार्कनेस की ओर जाना है, यानी हमें लाइट पेंसिल से सबसे पहले शेड करना है एंड धीरे धीरे डार्क पेंसिल से शेड करते जाना है। गाइस, अगर हम लाइट शेड से डार्क शेड की ओर जाएंगे तो हमारा जो ड्राइंग है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। 6B अप्लाई करने के बाद अब मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टंप नहीं है तो आप कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और जो ब्लेंडिंग स्टंप मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैंने खुद बनाया है। सो गाइस, अब हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे। आईब्रो ड्रॉ करने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। पहले तो लाइट पेंसिल यानी 2B पेंसिल से आईब्रो की हेयर ड्रॉ करेंगे, फिर ब्लेंडिंग स्टंप की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। बाद जो है डार्क करने के लिए 8B पेंसिल या फिर 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे। हम जिस तरीके से फर्स्ट आईब्रो को ड्रॉ किया उसी तरीके से हम लोग सेकंड आईब्रो को भी ड्रॉ करेंगे। अपन को जो है लाइट पेंसिल से डार्क पेंसिल की ओर धीरे धीरे जाना है। अगर पहले ही डार्क पेंसिल अप्लाई कर देंगे तो जो अपना हेयर है उसमें जो हाईलाइट है वो नहीं दिखेगा, तो हाईलाइट नहीं दिखने के कारण जो आईब्रो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक भी नहीं दिखेगा। तो भाई लोग, अब अपन आईज़ एम आईज़ के आसपास के एरिया को धीरे धीरे जो है डिटेल वर्क करेंगे। डिटेल वर्क करते टाइम हम लोग को सबसे पहले जो अपना रेफरेंस फ़ोटो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड उसके बाद रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग लाइट एंड शेडो को ड्रॉ करना है। गाइस, मैं जैसे कर रहा हूँ उसको आप देखिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइस, आप देख रहे होंगे सबसे पहले मैंने 2B पेंसिल से शेड किया एंड उसके बाद ब्लेंड कर किया एंड ब्लेंड करने के बाद डार्क वाली एरिया को 4B पेंसिल से फिर से शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस, हाईलाइट के लिए मैं ब्रशस्ट्रो इरेजर का यूज़ करूँगा। हमने दोनों आईज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है फेस सेट करेंगे। फेस को सेट करने के लिए पहले जो अपना रेफरेंस फ़ोटो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसमें देखेंगे लाइट एंड शेडो एरिया को, जिस एरिया में शेडो है उस एरिया को 4B पेंसिल से थोड़ा डार्क करेंगे एंड जो लाइट एरिया है उसको खाली छोड़ देंगे एंड जो डेप्थ एरिया होंगे जो थोड़ा डार्क होंगे उसको 6B पेंसिल से डार्क कर देंगे। अब सिंपली फर्स्ट लेयर सेट करने के बाद इसको ब्लेंड कर देंगे। तो गाइस, आपने देखा हमने फर्स्ट लेयर शेड करने के बाद उसको ब्लेंड कर दिया और जो लाइट एरिया है उसको खाली छोड़ दिया। तो अब जो है सेकंड लेयर करेंगे। सेकंड लेयर में हम लोग 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। शेड करने के बाद हमने फिर से इसको ब्लेंड कर दिया एंड उसके बाद हम लोग 6B पेंसिल से जो डेप्थ एरिया है उसको थोड़ा डार्क कर दिया। अपने ड्राइंग को इसी तरीके से लेयर बाई लेयर शेड करना है। अगर फर्स्ट बार में पूरा फेस शेड कर देंगे तो अपने ड्राइंग का रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाएगा। अब जो है नोज़ ड्रॉ करेंगे। नोज़ ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले जो है नोज़ को बेस लेयर करेंगे। पूरे नोज़ को बेस लेयर से कवर कर लेंगे एंड जो लाइट एरिया होंगे
उसको खाली छोड़ेंगे। फर्स्ट लेयर के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड जो है फिर थोड़ा डार्कनेस के लिए 4B एंड 2B का यूज़ करूँगा। जो डेप्थ एरिया होंगे नोज़ के उस एरिया में मैं थोड़ा सा 6B पेंसिल यूज़ करूँगा। बेस लेयर कंप्लीट होने के बाद हम लोग ब्लेंडिंग स्टंप की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टंप अवेलेबल नहीं है तो आप कॉटन बड का यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बड से भी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है। ब्रश टू इरेजर से हाईलाइट कर देंगे एंड अगेंस्ट 6B पेंसिल या 4B पेंसिल से डार्क एरिया को डार्क कर देंगे। एंड नाउ नोज़ के डेप्थ एरिया को डार्क करने के लिए 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। 6B पेंसिल से सेट करेंगे एंड ब्लेंड कर देंगे। एंड नाउ गाइस अब लिप्स सेट करेंगे। लिप्स सेट करने के लिए पहले जो बेस लेयर है, बेस लेयर के लिए हम लोग लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। लाइट पेंसिल से पहले जो लाइटली स्ट्रोक लगाएंगे। ड्राइंग करते टाइम आप लोग को पेशेंस के साथ ड्राइंग करना है। अगर आप जल्दी जल्दी ड्राइंग करेंगे तो आपका जो ड्राइंग का प्रोपोर्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। पोर्ट्रेट ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो है पेशेंस के साथ ड्राइंग करना। अगर आप पेशेंस के साथ ड्राइंग नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे तरीके से ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। पहले जो है मैं भी जल्दी जल्दी में ड्राइंग करता था जिससे मेरा जो पोर्ट्रेट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। आप देख रहे होंगे जो पोर्ट्रेट है उसको मैं लेयर बाई लेयर कर रहा हूँ। और जो बिगिनर है वो भी जो ड्राइंग है उसको लेयर बाई लेयर करना चाहिए। अगर आप जो पोर्ट्रेट ड्राइंग है उसमें मास्टर हो जाएंगे तो उतना टाइम आप जो डार्क वाली एरिया उस पर डायरेक्ट जो डार्क कलर है मतलब डार्क पेंसिल उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप फर्स्ट बार में ही फर्स्ट ड्राइंग से आर्टिस्ट मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप डेली लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप भी जो है रियलिस्टिक ड्राइंग कर पाएंगे। पोर्ट्रेट ड्राइंग में जो है आपको पेशेंस के साथ ड्राइंग करना होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप कभी भी ड्राइंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप भी शेडिंग का, ब्लेंडिंग का, जो हाईलाइट एरिया है उसको खाली छोड़ने का, ये सब के बारे में आप जानोगे। और जो पेंसिल है उसके स्ट्रोक हमको कैसे लगाना है उसको भी आप जानोगे। अगर आप अच्छे स्ट्रोक लगाएंगे तो आप जो ब्लेंडिंग करोगे तो वो भी स्मूथ ब्लेंडिंग होगा। अगर आपका स्ट्रोक जल्दी जल्दी करोगे तो आपका जो ब्लेंडिंग है वो भी ख़राब दिखेगा। एंड अगर आप ज़्यादा ब्लेंडिंग करोगे, ज़्यादा घिस के, तो आपका जो पेपर है वो भी फटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको जो है मेन चीज़ जो है आपको जो अपने पेंसिल स्ट्रोक है उस पर ध्यान देना है एंड उसके बाद जो है ब्लेंडिंग करना है। यानी आपको ज़्यादा ध्यान अपने पेंसिल के स्ट्रोक पे देना है। आप बिना ब्लेंडिंग किए भी अच्छे से अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो आपको जो ध्यान देना है वो है पेंसिल के स्ट्रोक यानी शेडिंग में। तो गाइस आज हम इतना ही ड्रॉ करेंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग हेयर एंड जो क्लॉथ हैं उसको ड्रॉ करेंगे। तो गाइस आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारा जो सेकंड पार्ट का वीडियो है उसको भी देख सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।